सो ऑलराइट इट्स बाय बॉक्स टू मैं बैक विद अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन टोक्यो रेवेंजर्स, कैजू अराशी एके बानकाई। सो इन माय लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ वाकासाई माउसी एंड नाउ आई एम मेकिंग अ एक्सप्लेनेशन ऑन बानकाईज कैरेक्टर। तो आज हम बात करेंगे कि वो कितना स्ट्रांग है और वो क्या वाकासा जितना स्ट्रांग है या नहीं। तो चलो अब बानकाई के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो कैजू अराशी बानकाई रेडक्लिफ और द लिविंग लेजेंड के नाम से पॉपुलर है। वो शिनिचिरो के साथ फर्स्ट जनरेशन ऑफ ब्लैक ड्रैगन्स को उस टाइम पे टॉप गैंग बनाने में मदद किया था। बानकाई एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा है जो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भी है। उसकी आंखें बहुत वाइडली ओपन रहती है जिसकी वजह से वो बहुत खतरनाक सा दिखता है। बानकाई जब अपने टीनेज में था तब वो रैग्नारोक गैंग का लीडर था और उसके नाम की ही दहशत हुआ करती थी उस समय में, और उसकी और वाकासा की गैंग के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी और वो लड़ते रहते थे हमेशा। बानकाई ने टीनेज में अकेले एक पूरा गैंग तबाह कर दिया था सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पर, और वो बिल्कुल उन गैंग के मेंबर्स के खून से सना हुआ था जब वो उनको पीट के वापस आया था। बट फिर वाकासा और बानकाई दोनों की लाइफ में आए हमारे प्यारे शिनिचिरो सानो और उन्होंने इनको ब्लैक ड्रैगन्स में रिक्रूट किया। बानकाई बहुत ज्यादा एडमायर किया करता था शिनिचिरो को। वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ब्लैक ड्रैगन्स में गार्ड यूनिट का कैप्टन था और रैग्नारोक में वो लीडर था। रैग्नारोक और ब्लैक ड्रैगन्स में होते हुए उसने एक बड़ा रिस्पेक्टेबल ओहदा हासिल कर लिया था डेलिंक्वेंट वर्ल्ड में और मैक्सिमम डेलिंक्वेंट्स उसको एडमायर किया करते थे। बानकाई में लीडरशिप स्किल्स भी बहुत ज्यादा हैं। अब हम बात करते हैं उसकी फाइटिंग पावर्स की। वो लिटरली तुम जो भी कैरेक्टर सोच सकते हो टोक्यो रेवेंजर्स में उन सब को 1v1 फाइट में टो टू टो जा सकता है। हाँ, हो सकता है कि वो इनमें से कुछ कैरेक्टर से ना जीत पाए, बट कुछ होंगे जिनको वो बहुत अच्छी टक्कर दे देगा और मैक्सिमम कैरेक्टर्स को वो थका जरूर देगा। उसने शियोन द लॉर्ड मादारामे को एक मुक्के में तारों की सैर करा दी थी और काकुजो के इतने स्ट्रॉन्ग ब्लो के बावजूद वो तुरंत खड़ा हो गया था। वाकासा और बानकाई डुओ फॉर्म करके रोकू अरुटांडाई पर कहर ढा रहे थे। रोकू अरुटांडाई के 100 लोगों को इन्होंने खेल खेल में पीट दिया था। बानकाई अपने स्ट्रेंथ से सिर्फ एक मुक्के में साउथ जैसे कैरेक्टर को 4 फीट दूर फेंक दिया था। साउथ के मुक्के को रोककर उल्टा साउथ को टॉन्ट मार रहे कि तुम्हारा मुक्का बहुत कमजोर है तुम्हारे जैसे साइज के लिए। बट इन द एंड वो वाकासा और बानकाई दोनों ही वो फाइट हार गए थे साउथ से, एंड फिलहाल वो दोनों ही कांटो मांझी गैंग में है। अब देखना होगा कि वो फ्यूचर में क्या करिश्मा कर दिखाते हैं, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन बानकाई और वाकासा दोनों का रोल देखने के लिए आने वाली सीरीज में। जैसा कि अभी तक बानकाई की ज्यादा फाइटिंग नहीं दिखाई गई है मांगा में, कुछ पैनल्स में उसके बस कुछ सीन्स दिखाए और बस एक साउथ के साथ फाइट दिखाई जो कि ऑब्वियसली साउथ के वैसे डार्क इंपल्सेस थे तो वो ओवरकिल था उनके लिए। बट मैं जानता हूं और मेरे हिसाब से तुम लोग भी जानते होगे तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो कि बानकाई में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, और अभी बहुत अच्छा समय है उसको उस पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए। काकुचू फ्री नहीं होएगा, और क्योंकि काकुचू हमारा ताकेमिची से लड़ रहा है। इन केस अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर ताइजू शिवा रिटर्न करता है तो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि ताइजू शिवा रिटर्न करने वाला है, वो अलग बात है कि हमको एक हिंट मिला था कैनवाकू से बट अभी तक ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, ये बहुत जल्दी भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है थोड़ा टाइम लेके आए वो, अभी सीरीज में बहुत टाइम बचा है खत्म होने में, तो अभी बढ़िया कंटेंट है, फिर ज्यादा सच्चाई बोल दी मैंने। तो फिलहाल अगर ताइजू शिबा रिटर्न करता है तो फिर बानकाई से बढ़िया ओपोनेंट उसके लिए नहीं मिलेगा। ताइजू शिबा के पास डार्क इम्पल्सिस नहीं है, इवन दो ताइजू शिबा की कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी काइंड ऑफ मैच करती है साउथ से, और उसके कुछ कारनामे भी साउथ से कम नहीं थे, बट फिर भी साउथ के पास डार्क इम्पल्सिस का एडवांटेज था, नहीं तो बिना डार्क इम्पल्सिस के तो वो ऑलमोस्ट हरा ही दिया था साउथ को। तो इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है अगर होती है तो, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो, होपफुली तुमको मजा आया होगा। अगर आया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, न्यू हो तो उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, मतलब पुराने हो तो भी दबा देना, बट फिर भी पता नहीं, आई डोंट मेक सेंस समटाइम। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।